आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिजीज़ के बारे में तो उसको शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक like करें और शेयर करें सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड रिफर्स टू द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू द वायरस और इन्फेक्टियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स जब भी कोई वायरस और इन्फेक्टियस एजेंट जब हमारे बॉडी में इंटर करता है उस टाइम से लेकर उसका जब सिम्टम्स दिखने लगता है बॉडी में उस टाइम तक को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं जैसे मान लीजिए आपको कोविड हुआ तो उसका सिम्टम्स तुरंत नहीं दिखता है दो से चौदह दिन लग जाते हैं उसको सिम्टम्स अपीयर होने में यही टाइम पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं कॉम्यनिकेबल डिजीज जितना है वो सबका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसी के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे जैसे एलो फीवर का थ्री टू सिक्स डेज होता है प्लेग का होता है टू टू सिक्स डेज या फॉरेस्ट डिजीज का थ्री टू एट डेज होता है टाइफॉइड और मिजल्स का टेन टू फोर्टीन डेज होता है मम्प्स का 14 टू 18 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड डिपथेरिया का 2 टू 5 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड पॉट्यूसिस का 7 टू 10 डेज होता है चिकन पॉक्स का 10 टू 21 डेज़ होता है टेटनस का इंक्यूबेशन पीरियड 2 टू 21 डेज होता है सिफिलिस का 9 टू 90 डेज होता है हेपेटाइटिस ए का 4 वीक्स होता है हेपेटाइटिस बी का 30 टू 180 डेज़ होता है फाइलेरियासिस का 8 टू 16 मंथ होता है जापनीज इंसफलाइटिस का फाइव टू फिफ्टीन डेज होता है ये सब में से मेडिकल एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन एक आता है